कहते हैं हर कोई मुकद्दर का सिकंदर नहीं होता, लेकिन अब सिकंदर जैसी कोई मुकद्दर नहीं चाहेगा, क्योंकि सिकंदर के मुकद्दर पे लिखी हुई है जेल। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एमपी वॉच। आज हम आपको एक ऐसे बहुरूपीय सिकंदर के बारे में बताएंगे जो मध्य प्रदेश के सतना में रहकर एक ऐसा घिनौना खेल खेल रहा था जिसकी कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले धर्म परिवर्तन कर ये सिकंदर हिंदू बनता है और एक हिंदू लड़की से शादी करने के बाद उसे तलाक दे देता है। इसके बाद वह समीर नाम से अपनी एक नई पहचान बनाता है और एक 16 साल की लड़की से दोस्ती कर लेता है, और इस लड़की से दोस्ती करने के बाद सालों तक इसे शादी का झांसा देकर उसका दुष्कर्म करता है। गौर से देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर में जो शख्स विक्ट्री साइन दिखाते नजर आ रहा है वो है बलात्कार का आरोपी अतीक उर्फ सिकंदर, जिसकी गिरफ्तारी के बाद प्रदेश भर के सियासी हलकों में खलबली मच गई है। जहां एक ओर सत्तारूढ़ बीजेपी ने इसे लव जिहाद का मामला बताकर कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, वहीं कांग्रेस ने इस आरोपी से अपना पल्ला झाड़ते हुए भाजपा पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता लड़की ने सतना के कोलगवा थाने में जाकर पुलिस अधिकारियों से अपनी आपबीती सुनाई, जिस पर एसपी रियाज इकबाल ने एफआईआर दर्ज की। एसपी रियाज इकबाल ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस रिमांड में गहन पूछताछ की गई, जिसके बाद सिकंदर ने कई खुलासे किए। एसपी रियाज इकबाल के मुताबिक बलात्कार के इस आरोपी ने कई सांसद, पूर्व मंत्री व विधायकों के लेटर पैड छाप रखे हैं, जिसका उपयोग वो वीआईपी रिजर्वेशन के लिए करता था। इतना ही नहीं, उसने लाखों रुपए सूद में बांट रखे थे और लोगों से अपने मन मुताबिक ब्याज की वसूली भी करता था। पुलिस के मुताबिक इस आरोपी ने अब तक अवैध तरीके से करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर रखी है, जिसकी जांच के लिए अलग अलग विभागों को पत्र भेजकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सतना एसपी ने एक एसआईटी टीम का भी गठन कर दिया है जो इस पूरे मामले की गहन विवेचना कर रही है। इस मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या कहा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने, आप भी सुनिए। देखिए, इस प्रकार के जो भी लोग हैं और जो घटना सतना के अंदर हुई है वो बहुत गंभीर नहीं, इस मानवता पर कलंक है। इसलिए इस प्रकार की लव जिहाद की घटनाएं मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होंगी। अब ये पूरा मामला सियासी रंग लेता जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरोपी को कांग्रेसी बता रही है, जबकि कांग्रेस के लोगों का कहना है कि वो हमारे पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। वहीं इस मामले पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सर्किट हाउस पर आरोपी का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। सिकंदर के मामले को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में धावा बोल दिया। सैकड़ों की संख्या में भाजपा के युवा नेता कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और वहां पर कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसकी जानकारी जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों को लगी तो मौके पर एसडीएम और तहसीलदार पहुंच गए। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की एक आपात बैठक बुलाई गई और इस पूरे मुद्दे को लेकर किस तरह की सतर्कता बरती जाएगी उसको लेकर चर्चा की गई। सोमवार को सतना पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को 18 सितंबर तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब सतना पुलिस 18 सितंबर तक इस आरोपी से पूछताछ करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि इस रैकेट के तार किन किन जिलों तक हैं और किन किन शख्सियतों से जुड़े हुए हैं। बंद करो, बंद करो।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।